इसलिए अगर कोई सच्चाई है तो सिर्फ इतनी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर एक अस्थाई गठबंधन बनाकर सत्ता की प्राप्ति की लालसा ही इसका एकमात्र कारण है, लेकिन देश की जनता इसको कभी पूरा होने नहीं देगी। महोदया, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी सदन में एक बार कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव तब लाए जाते हैं जब सत्तारूढ़ दल के टूटने की संभावना हो या सरकार को जागरूक रखने के लिए इसको हथियार बनाने की जरूरत हो। लेकिन आज अभी समझ में नहीं आ रहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या है। आज लगभग स्थिति जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस स्वयं ही अविश्वास के विकार से ग्रस्त है और इसी विकार के कारण ये अविश्वास प्रस्ताव आया है। जिनकी सरकारों के समय पर देश में घोटालों की चर्चा करते हुए देश पूरी वर्णमाला को याद कर लेता था, वे आज मात्र 4 सालों में इतिहास के माथे पर भारत के स्वर्णिम भविष्य की इबारत लिखने वाली सरकार पर आरोप लगाने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसके लिए देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। और इसलिए अध्यक्ष महोदया, इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अंत में इन पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। इसी के साथ इसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, प्लीज प्लीज, शांति शांति रखो। यस, थैंक यू स्पीकर मैडम फॉर गिविंग मी द फ्लोर। टू वेरी इंटरेस्टिंग स्पीचेस। हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत। Two very interesting speeches, one by Mr. Gala from the TDP and one from the BJP. I heard Mr. Gala's speech very carefully. I listened to everything you said, and in your speech I sensed a certain anxiety. I sense a deep feeling of pain, and I want to tell you from here that you are the victim of a 21st century political weapon. Yes. Very fantastic political weapon. And I want to tell you that you are not alone. There are many, 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 many victims like you in this country. The political weapon is called the Jumla strike. Yes. And the symptoms are the following. First, there is a great sense of excitement, happiness. There is a great sense of happiness, excitement. Then there is a feeling of shock. And after that, there are 8-hour-long speeches. Now, who else are victims of the Jumla strike? The Kisans of the country? Speaker ma'am, the Kisans of the country, the youngsters of the country, the Dalits, the tribals, and the women of the country. आपने बोला कि प्रधानमंत्री के शब्द का मतलब होना चाहिए।
और यही सवाल पूरा हिंदुस्तान आज पूछ रहा है। ₹15 लाख हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, जुमला नंबर एक, जुमला स्ट्राइक नंबर एक, ₹15 लाख हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर दो, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार। रोजगार पे चलते हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आप कौन सी दुनिया में हैं? आप कौन सी दुनिया में हैं? मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं, मेरे पास मैं बोल, मैं देख रही हूँ ना, उनका नाम लिया आपसे पहले, आप मत डिस्टर्ब करो उनको, बैठो। मैंने प्लीज कर गए। 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं है, इनके आंकड़े हैं। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। दूसरे तरीके से कहता हूं, जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो। यह सच्चाई है इनके खोखलेपन की, यह सच्चाई है इनके शब्दों की। और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकोड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो, रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया, पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ, 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। शायद समझ नहीं थी कि किसान मजदूर गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी है। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सच। प्लीज नहीं, आप बैठे हुए लोगों की मत सुनो। मगर वहां नहीं रुके, GST कांग्रेस पार्टी लाई थी। आपने विरोध किया था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक GST हो, पेट्रोल डीजल उस GST में हो,
हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री की जीएसटी, पांच अलग अलग जीएसटी, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपने अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेस से बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता है। तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया, और जैसे मैंने कहा, जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मीडियम साइज बिजनेस चलाकर, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इश्तिहार पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आ सकता है, और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं, और वो 10-20 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कुछ करते हैं, मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। मगर जब अमित शाह के पुत्र जय शाह 16,000 बार अपनी आमदनी को बढ़ाता है 3 महीने में, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में